चले हनी? हाँ चलो तुषार। सीट बेल्ट लगा लो। साहब कुछ मदद हो जाएगी क्या? मेरे भाई बहनों ने 2-3 दिनों से कुछ नहीं खाया है और मेरी माँ भी बहुत बीमार है। साहब अगर कुछ मदद हो जाएगी ना मेरी तो भगवान आपका बहुत भला करेंगे। जाओ यहाँ से, हमारे तो खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं, तुम्हें और दे दें, जाओ। मेम साहब मैं आपसे ऐसे पैसे नहीं मांग रही, मैं आपकी गाड़ी साफ कर दूंगी। कोई जरूरत नहीं है गाड़ी को हाथ लगाने की, चलो निकलो यहाँ से। कोई बात नहीं, आप साफ कर दो। जी साहब। हनी तुम्हें उसके साथ कैसे बात कर रही थी? इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी तुम्हें। और तुम्हें तो पता है ना दुनिया गोल है, अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तभी हमारे साथ अच्छा होगा। तो एक काम करो ना, इसके मुंह पर पैसे फेंक के मार दो, तुम्हारी बकवास सुनने से अच्छा ही है। अगर तुम आज इसकी मदद करोगे ना कल तुमसे फिर से पैसे मांगेगी। हनी तुम बहुत गलत कर रही हो। साहब हो गई गाड़ी साफ। तुम एक काम करो, ये तुम सारे पैसे रख लो, भगवान आपका भला करेगा। साहब भैया आपने पिछली बार मेरी मदद की थी ना, आप फिर से मेरी मदद कर सकते हैं? हम मैंने आपकी गाड़ी भी साफ कर दी है, वो क्या है ना मेरी माँ की तबीयत ठीक ही नहीं हो रही है और अब तो मेरे पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं है। आपने भी जो पैसे दिए थे ख़त्म हो गए, भैया मेरी कोई मदद हो जाएगी? देखा तुमने, मैंने तुमसे बोला था ना कि इन जैसे लोगों की तुम एक बार मदद करोगे ना तो बार बार आएंगे तुम्हारे पास मदद मांगने के लिए। अब देखो चिपक गई है ना मक्खी की तरह, ऐसे लोग ना मक्खी की तरह ही चिपक जाते हैं, अब करो इनकी मदद। अरे इट्स ओके हनी, अगर हम पैसों को लेकर किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें मदद कर देनी चाहिए ना, वैसे भी मदद करना तो अच्छी बात होती है। हाँ हाँ आपने तो इनके लिए बैंक खोल रखा है। अरे इनके लिए क्यों, सारे शहर के भिखारियों के लिए आपने बैंक खोल रखा है, अब दो इनको पैसे। हनी तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो, इतना नहीं बोलना चाहिए तुम्हें। अच्छा इस भिखारन के लिए आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो, ठीक है करो मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे हनी सुनो। भैया रहने दीजिए, अगर मेम साहब को अच्छा नहीं लग रहा है तो आप मत कीजिए मेरी मदद, मैं कुछ और देख लूंगी। अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी है नहीं ये, पता नहीं एकदम से इसको क्या हो जाता है, बाकी तुम टेंशन मत लो, और मदद करना तो अच्छी बात होती है ना, और अगर मैं तुम्हारी मदद कर पाया तो इससे अच्छी बात क्या ही होगी। भैया आप बहुत अच्छे इंसान हो, भगवान आपका हमेशा भला करेगा, और मैं गरीब बेसहारा, हमारी मदद कोई नहीं करता। भैया आपका दिल बहुत बड़ा है, जो आप इंसानियत के नाते मेरी मदद कर रहे हो, वरना हमारे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है, हम ऐसे घूमते रहते हैं बस सब हमें भगा देते हैं। और देखिए ना मेम साहब भी गुस्सा होकर चली गई। अरे कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुमने ये कुछ पैसे रख लो और जाके अपनी माँ का इलाज करा लेना, और अपना भी ध्यान रखना। भैया भगवान आपको हमेशा खुश रखेगा, आप बहुत तरक्की करोगे, भगवान आपको बहुत भला करेगा भैया। हाँ जी वैसे भी दुआ की तो सबको जरूरत होती है, बाकी तुम जाओ अपना ध्यान रख। जी भैया। अरे मेरा पर्स कहाँ चला गया? मेरा पर्स खो गया, मैं घर कैसे जाऊंगी, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, और ऊपर से मेरा ये फोन, इसकी बैटरी भी अभी खत्म होनी थी, मैं क्या करूँ? कैब के लिए पैसा तो चाहिए, किसी से मांग कर देखती हूँ। सुनिए वो मेरा पर्स ना कहीं खो गया है और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, मुझे घर जाना है, कैब के पैसे चाहिए, थोड़े से पैसे मिल सकते हैं क्या? नहीं मेरे पास नहीं है। सुनिए वो मेरे पास ना घर जाने के पैसे नहीं है, मेरा पर्स कहीं खो गया है और ये मेरा फोन ये भी स्विच ऑफ हो गया है, मुझे थोड़े से पैसे मिल सकते हैं क्या? नहीं मेरे पास नहीं है। क्या करूँ मैं, घर कैसे जाऊंगी? अरे दीदी आप तो उन्हीं भैया की वाइफ हो ना जिन्होंने मेरी मदद की थी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो, कुछ हुआ है क्या मुझे बताइए। वो मैं अपना पर्स पता नहीं कहाँ रख के भूल गई, मिल ही नहीं रहा है और मेरे पास पैसे भी नहीं है, मुझे घर जाना है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मेरा फोन भी स्विच ऑफ हो गया है। कोई बात नहीं दीदी ये लीजिए मेरे पास कुछ पैसे हैं, आप इन्हें रख लीजिए। लेकिन तुम मुझे पैसे क्यों दे रही हो, मैंने तो तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया था। रख लीजिए दीदी आप इतना मत सोचिए, अगर उस टाइम भैया ने मेरी हेल्प ना की होती ना तो मैं शायद आज इस मुकाम पे नहीं होती। हाँ जिस ऑफिस में मेरा पहला दिन है आपको पता है आप लोगों की वजह से, अगर उस दिन मेरी हेल्प नहीं की होती ना भैया ने तो पता नहीं मैं कहाँ दर दर की ठोकरें खा रही होती
और वैसे भी इंसान ही इंसान के काम आता है। आज अगर मैं आपके काम आ रही हूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तुम सच में बहुत नेक लड़की हो। तुम्हें पता है मुझे इस टाइम पे इन पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। थैंक यू सो मच।